नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के राशिफल कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज है 26 नवंबर 2020 और दिन है गुरुवार का। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल के कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल बताया जाता है। आज का सुविचार, जब भी आपके मन में निराशा के बादल घुमड़ने लगे तो अपने मन में आशा तथा उत्साह पैदा करने वाले विचार लाएं। खेत में फसल के साथ खरपतवार भी उग आती है, पर उसे उखाड़कर फेंक दिया जाता है। ऐसा ही बर्ताव आप निराशा के साथ करें। दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। दोस्तों, आज है विक्रमी संवत 2077, मास अमांत है कार्तिक और मास पूर्णिमांत भी है कार्तिक। पक्ष है शुक्ल पक्ष और वार है गुरुवार। तिथि है द्वादशी पूर्ण रात्रि तक। नक्षत्र है रेवती 9:21 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग है सिद्धि 7:36 तक, उसके बाद व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य उदय है प्रातः 6:53 पर, सूर्यास्त है शाम को 5:24 पर। दिक ऋतु है हेमंत और वैदिक ऋतु भी है हेमंत। राहु काल का समय है 1:27 से 2:46 तक और इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अशुभ शुभ मुहूर्त का समय 11:47 से 12:29 तक। दिशाशूल है दक्षिण की ओर। यमगंड है 6:53 से 8:12 तक। गुलिक काल है 9:31 से 10:50 तक। दुमुहूर्त का समय है 10:23 से 11:05 तक और दूसरा है 2:36 से 3:18 तक। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशन लाइन के साथ आज का राशिफल जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातक परिस्थिति तथा समय में तालमेल बिठाकर कार्य करने में सक्षम रहेंगे। माता पिता तथा बुजुर्गों के प्रति मन में सेवा भाव बना रहेगा। विद्यार्थी तथा युवा अपने अध्ययन तथा करियर के प्रति पूरी तरह फोकस रहेंगे। उन्नति से संबंधित कोई शुभ समाचार आज आपको मिल सकता है। आर्थिक मामलों में बहुत अधिक ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि अचानक ही कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। सामाजिक गतिविधियों में थोड़ी सावधानी बरतें, इस समय किसी प्रकार की मानहानि होने के योग बने हुए हैं। कोर्ट के संबंधी मामलों को स्थगित रखें। कार्यक्षेत्र में उन्नति से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा, परंतु किसी प्रकार का ठोस निर्णय लेते समय उस पर गंभीरता से विचार विमर्श अवश्य करें। कामकाज को लेकर की गई यात्राएं सफल रहेंगी। नौकरी से संबंधित परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। घर में सुखद माहौल बना रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में पड़कर अपने करियर के साथ कोई समझौता ना करें। अपने खान पान तथा दिनचर्या को व्यवस्थित रखकर आप मौसमी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। आज आपका भाग्य अंक 9 होगा। शुभ रंग गुलाबी होगा। आज आप बुजुर्गों की सेवा करें, लाभकारी होगा। वृष राशि के जातकों का जो काम पिछले कुछ समय से रुका या अटका हुआ है, उसे पूरा करने का आज उचित समय है। इस समय कोई नई उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है और आप अपनी योग्यता व प्रतिभा द्वारा उसे पूरा करने में सक्षम भी रहेंगे, परंतु कई बार जल्दबाजी व अति उत्साह में बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। अपने क्रोध तथा आवेश पर भी काबू रखें। विद्यार्थियों को इस समय अपने लक्ष्य पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता है। बेकार की गतिविधियों में समय नष्ट न करके अपने अध्ययन पर ध्यान दें। व्यापार में विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप से देने का उचित समय है। फिजूल खर्ची पर जरूर नियंत्रण रखें। किसी अपरिचित इंसान की बातों में आने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में पद उन्नति के योग बने हुए हैं।
पारिवारिक सदस्यों में उचित सामंजस्य बना रहेगा। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि आपको चिंता में डाल सकती है। आपको मुश्किल समय में मित्रों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी, परंतु घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपको चिंता रहेगी। इस समय लापरवाही बरतना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज आपका भाग्य अंक 6 होगा। शुभ रंग लाल होगा। आज आप सूर्य देव की आराधना करें और शाम को माता तुलसी की पूजा करें, लाभकारी होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को आज संतान की शिक्षा या करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। पैतृक संपत्ति या किसी भी प्रकार का विवाद आज किसी की मध्यस्थता से सुलझाने का उचित समय है। घर के सदस्यों की दिक्कतों का हल करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। किसी भी प्रकार की बुरी आदत अथवा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी रहें। पैसे के लेन देन संबंधी मामलों को सावधानी पूर्वक हल करें। पिता पुत्र के बीच में घर की किसी छोटी सी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई चुनौती सामने आएगी। खुद को साबित करने के लिए काफी मेहनत की जरूरत होगी। इस समय बिजनेस को लेकर जो योजनाएं चल रही थी और वो टल भी सकती हैं। नौकरी में अपने उसूलों और सिद्धांतों के साथ बिल्कुल भी समझौता ना करें। दांपत्य जीवन में किसी बात पर जीवन साथी की नाराजगी रह सकती है, परंतु समय रहते आप उसे समझा भी लेंगे। प्रेम प्रसंग आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं। आज शारीरिक रूप से थकान व अस्वस्थ महसूस करेंगे। इसमें आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करना उचित रहेगा। आज आपका भाग्य अंक 6 होगा। शुभ रंग पीला होगा। आज आप बृहस्पति देव की पूजा करें, लाभकारी होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा किसी भी समस्या का हल ढूंढने में सक्षम रहेंगे। संतान संबंधी भी कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व कृपा प्राप्त होगी। घर की देखरेख और पारिवारिक लोगों के साथ में उचित समय व्यतीत होगा। इस समय किसी भी रिश्तेदार अथवा मित्रों की किसी भी सलाह पर विश्वास न करके अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। इस समय व्यर्थ के कार्यों में धन व्यय होने के योग अधिक प्रबलता से बने हुए हैं। अंततः आवश्यक है कि कोई भी काम करते समय अपने बजट का अवश्य ही ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में विस्तार की योजना पर काम शुरू करने से काफी हद तक सफलता मिल सकती है। अपने टैक्स संबंधी सभी कामों को पूरा रखें। अगर आप राजकीय सेवा क्षेत्र में हैं, तो पब्लिक के साथ व्यवहार करते समय बहुत अधिक सावधानी रखने की आपको आवश्यकता होगी। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। संतान के विवाह संबंधी खरीदारी के लिए पारिवारिक लोगों के साथ सलाह मशवरा होगा। अत्यधिक कामकाज व मेहनत के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब ना करें। समय समय पर उचित आहार और आराम भी लेना आवश्यक है। आज आपका भाग्य अंक होगा 3। शुभ रंग होगा आपका आसमानी। आज आप गोविंद की पूजा करें, लाभकारी होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के घर में किसी नजदीकी रिश्तेदार के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा तथा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा होने से कोई समाधान भी मिलेगा। कोर्ट कचहरी संबंधी जो मामले पिछले काफी समय से लंबित चल रहे थे, आज उन पर काम करने का उचित समय है। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। किसी पर भी अधिक भरोसा या विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है। मशीनरी तथा तकनीकी कार्यों से संबंधित व्यवसाय में सफलता मिलेगी, परंतु अपनी कार्यप्रणाली तथा व्यवस्था संबंधी योजनाओं को किसी के समक्ष जाहिर ना करें। ऑफिस में आपकी किसी परेशानी में सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। पति पत्नी के संबंधों में बेहतर तालमेल बना रहेगा, परंतु प्रेम प्रसंगों का प्रभाव परिवार व समाज पर अच्छा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु इसका कतई मतलब नहीं है कि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतें। अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित ही रखें। आज आपका भाग्य अंक होगा 3। शुभ रंग होगा नीला। आज आप गरीब बच्चों को दान करें, लाभकारी होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए आज किसी भी परिस्थिति में कार्य को पूरा करने की क्षमता रखेंगे। समाज तथा परिवार में मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। इस राशि के लोग व्यवहार कुशल भी होते हैं तथा परिवार में परस्पर प्रेम व सौहार्द बनाकर रखते हैं। अपनी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरियों पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी सोशल मीडिया तथा मित्रों के साथ घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ न करें। कोई भी नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करना आवश्यक होगा।
कारोबार में कोई उपलब्धि मिलने पर ज्यादा सोच विचार ना करके परंतु उस पर तुरंत अमल करें। इस समय आय के नए स्रोत बनने के उचित योग बने हुए हैं। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी परंतु बॉस तथा वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से उन्हें सुलझाने में सक्षम भी रहेंगे। परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक रह सकती है परंतु संबंधों में और अधिक नजदीकियां आएंगी। अत्यधिक गुस्सा करना आपके स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता होगी। आज आपका भाग्य अंक होगा 5। शुभ रंग आपका केसरिया होगा। आज आप भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें, लाभकारी होगा। तुला राशि। तुला राशि के जातक अगर कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उस पर अमल करने का उचित समय है। किसी धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का आमंत्रण भी मिलेगा तथा लोगों के बीच आपका विशेष रुतबा बना रहेगा। आय के स्रोत बनेंगे परंतु साथ ही खर्चों की भी अधिकता रहेगी। किसी रिश्तेदार अथवा घनिष्ठ मित्र के संबंधित कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है जिसकी वजह से मन व्यथित रहेगा। बिना समझे किसी भी नए कार्य को आरंभ ना करें। व्यवसाय में आपको अपनी मेहनत और परिश्रम के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे परंतु अपने कार्य की क्वालिटी पर अधिक ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण डील हो सकती है। ऑफिस में अपने काम को बहुत अधिक संजीदगी व गंभीरता से करने की आपको आवश्यकता होगी। पति पत्नी के बीच किसी पारिवारिक समस्या को लेकर कहा सुनी हो सकती है। बेहतर होगा कि ठंडे दिमाग तथा आपसी सूझबूझ से समस्या का हल निकालें। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। इस समय कमर दर्द तथा पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। अंततः तली भुनी और बाहरी चीजों का सेवन ना करें। आज आपका भाग्य अंक होगा 6। शुभ रंग होगा आपका लाल। आज आप हरि कीर्तन करें, आपके लिए लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक जिस शुभ समाचार को प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से आतुर थे, आज वह शुभ समाचार आपको प्राप्त हो ही जाएगा। आप सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से निपटाने में सक्षम रहेंगे। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में उसका डटकर मुकाबला करना आपको सफल रखेगा। अधिक महत्वाकांक्षी होने की वजह से किसी भी अनुचित कार्य में हाथ न डालें। इस समय कोई व्यक्ति आपकी किसी मजबूरी का फायदा उठा सकता है, इसीलिए सावधान रहें। युवाओं को अपने करियर संबंधी प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। मार्केटिंग संबंधी काम पूरे करने के लिए दिन उत्तम है, भागदौड़ बनी रहेगी। किसी तरह की भी पेपर संबंधी काम आज कंप्लीट हो सकते हैं। किसी परीक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं तो सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अंततः समय का भरपूर फायदा उठाएं। पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा। घर में नए मेहमान की आगमन की शुभ सूचना मिलेगी। पति पत्नी में यथागदा नोकझोंक हो सकती है। खांसी जुखाम बुखार जैसी परेशानियां रहेंगी। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, आयुर्वेदिक इलाज पर अधिक ध्यान दें। आज आपका भाग्य अंक होगा 9। शुभ रंग होगा आपका सफेद। आज आप राम नाम जाप करें, लाभकारी होगा। धनुराशि। धनुराशि के जातक आज विद्यार्थी तथा युवाओं को अपने किसी लक्ष्य को हासिल कर लेने से बहुत अधिक खुशी व सुकून की प्राप्ति होगी। अपनी रुचिपूर्ण कार्यों तथा ज्ञानवर्धक पुस्तक को पढ़ने में सुखद दिन व्यतीत करेंगे। किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का आशीर्वाद व मार्गदर्शन भी आज आपको मिलेगा। आपका पूरी तरह आत्म केंद्रित हो जाने से कुछ लोगों के बीच आपकी आलोचना हो सकती है। कोई आर्थिक विषमता भी आपके सामने आएगी, इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लें। व्यवसायिक क्षेत्र में कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। आपके भरसक प्रयास व परिश्रम द्वारा भी आंशिक रूप से सफलता मिलेगी, इसीलिए इस समय धैर्य और संयम बनाकर रखें तथा जैसा चल रहा है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। ऑफिस का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। दांपत्य जीवन खुशनुमा रहेगा परंतु विशेषकर महिलाओं को विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, अन्यथा बदनामी हो सकती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है वे अपना उचित ध्यान रखें, लेकिन अधिक तली हुई तथा मसाले वाली चीजों का सेवन से परहेज करें। आज आपका भाग्य अंक होगा 3। शुभ रंग होगा आपका हरा। आज आप शालिग्राम की पूजा करें, लाभकारी होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातक इस समय गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण रवैया अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक रहेंगे। घर की कोई समस्या को मिटाने के लिए विशेष रूप से आप प्रयासरत रहेंगे और सफल भी होंगे। बच्चे भी पूरी तरह अनुशासित रहकर अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान देंगे, परंतु इस समय सामाजिक व राजनीतिक कार्य से थोड़ी दूरी बनाकर रखें क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने में अभी समय है।
इसलिए कार्य क्षेत्र में सावधान रहने की आपको जरूरत होगी। इस समय आपके कुछ विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। इनकम टैक्स और सेल टैक्स से संबंधित किसी भी हिसाब के साथ में पारदर्शिता बनाकर रखें। ऑफिस में सहयोगियों के मामले में हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करें। आपके विपरीत परिस्थितियों में पूरे परिवार तथा जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद व स्नेह घर के माहौल को सकारात्मक बनाकर रखेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पीठ दर्द, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसीलिए अपना ध्यान रखें। आज आपका भाग्य अंक 8 होगा, शुभ रंग आपका बादामी होगा। आज आप तुलसी माता की पूजा करें, लाभकारी होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग आत्मबली तथा स्वाभिमानी होते हैं। आप कर्म और पुरुषार्थ के माध्यम से कोई उपलब्धि हासिल करने में सक्षम रहेंगे। संतान की विद्या अध्ययन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने से बहुत सुकून और राहत मिलेगी। अनुभवी व जिम्मेदार लोगों का मार्गदर्शन भी आज आपको प्राप्त होगा, परंतु कभी कभी ज्यादा जिद रखना या किसी बात पर अड़ जाने से आपके हाथ से महत्वपूर्ण उपलब्धि निकल सकती है। इसीलिए अपने व्यवहार में लचीलापन भी अवश्य बनाकर रखें। विपरीत परिस्थितियों में विचलित होने की अपेक्षा उनका समाधान निकालने का प्रयत्न करें। करियर तथा आजीविका में काफी प्रतिस्पर्धा का सामना आज आपको करना पड़ेगा। इस समय अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्रचित रहें। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी अवश्य लें। नौकरी पाने के लिए प्रयासरत व्यक्तियों को इंटरव्यू और प्रतियोगिता परीक्षा में ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी। आपके मुश्किल समय में जीवन साथी तथा परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात से सुखद अनुभूति आज आपको प्राप्त होगी। इस समय कोई पुराना रोग आपको कष्ट दे सकता है। लापरवाही ना करके डॉक्टर से अवश्य ही संपर्क करें तथा उसका उचित इलाज भी लें। आज आपका भाग्य अंक 6 होगा, शुभ रंग आपका ऑरेंज होगा। आज आप राम नाम का जाप करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मीन राशि। मीन राशि के जातक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा उन्नत सोच आपके आगे बढ़ने में सहायक रहेगी। लोग सहज ही आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। आपको अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। किसी नजदीकी मित्र से मुलाकात सुखद रहेगी। कभी कभी स्वभाव में उत्साहहीनता तथा आलस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पैसा आने से पहले ही जाने का रास्ता तैयार रहेगा, इसलिए फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। विद्यार्थियों को अपनी आशा व मेहनत के विपरीत परिणाम मिलने से कुछ उदासी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अभी किसी भी प्रकार का नया निवेश ना करें। इस समय किसी भी नई योजना को क्रियान्वित करने से पहले बहुत अधिक जांच पड़ताल करने की आवश्यकता होगी। नौकरी में अपने टारगेट को पूरा करने का दबाव रहेगा, परंतु परेशान ना हो, आप इसमें सक्षम भी रहेंगे। परिवार में सुख शांति भरा वातावरण रहेगा, परंतु घर की स्त्रियों के बीच किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है। इस समय अपने आप को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप दूसरों के जीवन में ना करने दें। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चल रही समस्याओं में अब सुधार देखने को मिलेगा, परंतु अभी लापरवाही ना करके वर्तमान नियमों का अनुसरण करना आपके लिए आवश्यक होगा। आज आपका भाग्य अंक होगा 3, शुभ रंग है आपका हरा। आज आप हरि कीर्तन करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।